इतनी अजगर नहीं बल्कि घोनस होता है और ये इसकी पहचान होती है। मेरा नाम आनंद चिट्टी है और पिछले 18 साल से मैं स्नेक रेस्क्यू का काम करता हूँ। रात का अंधेरा है लेकिन तकरीबन 2 घंटे से एक सांप यहाँ पर हमारी वेट कर रहा है और वो घोनस है दोस्तों। तो यहाँ पर एक कॉलेज का हॉस्टल है और ये उनका कंपाउंड वॉल है और ये यहाँ पर देखिए ऐसे ही बैठा हुआ है 2 घंटे से और ये खतरा बना रहता है क्योंकि देखिए कोई भी नहीं था इधर। जैसे कि हम आए ये मिट्टी वगैरह निकाल रहे हैं यहाँ से और काफ़ी बार यहाँ पर घोनस हम पकड़ चुके हैं। राजाराम नगर उद्यम बाग इंडस्ट्री ले रहा आता है और जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत बड़ा सांप और 2 घंटे हम इधर नहीं थे फिर भी ये नहीं गया क्योंकि ये मेटिंग सीजन में होता है। तो इसको हम रेस्क्यू करेंगे। लगभग 6 साल का ये बहुत बड़ा सांप है, अजगर से मैच करता है इसलिए लोग अजगर समझते हैं, लेकिन घोनस बहुत ही विषैला होता है और ये 3 फीट तक अटैक कर सकता है। इसका दांत जो विषैला होता है वो लगभग 1 इंच लंबा रहता है और गोल 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 धब्बे इसके ऊपर रहते हैं, ये इसकी पहचान है और झाड़ियों में पत्थर ईंटों की ढेर में अक्सर पाया जाता है। और इसकी ये लगभग मादा हो सकता है क्योंकि मादा बड़ा होता है और नर छोटा होता है, मेल जो होता है वो, और फीमेल जो गन छोड़ती है उसको सूंघ के मादा को आकर्षित होकर नर इकट्ठे आ सकते हैं, इसलिए दूसरा भी होने की संभावना रहती है। हम कह रहे हैं अक्टूबर से लगभग फरवरी तक इनका मेटिंग सीजन होता है दोस्तों। और ये सांप रात के वक्त निकलने वाला वैसा होता है लेकिन मेटिंग सीजन में दिन में भी निकलता है। और ये सांप जो है बच्चों को जन्म देता है, ये वाइब प्रेडिवर का सांप है और लगभग 50 तक बच्चे डाल सकता है और सांप जन्म से ही विषैले होते हैं। इसकी पहचान है, मैंने कैमरा थमा के रखा है, गोल गोल धब्बे दोस्तों। हम चाहते हैं कि वीडियो के द्वारा आप सांपों की पहचान रखें। काफ़ी लोग इसको अजगर समझने की गलती करते हैं लेकिन अजगर नहीं बल्कि घोनस होता है और ये इसकी पहचान होती है, गोल गोल धब्बे जो मैं बार बार कह रहा हूँ। और बहुत ही विषैला सांप, 3 फीट तक हल्ला चढ़ा सकता है 1 सेकंड में और इसके विषैले दांत भी बहुत लंबे होते हैं। चूहा इसका पसंदीदा खाना होता है, अब इसको हम पकड़ के अंदर डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ। लाइट उजड़ क्यों चला? बहुत बड़ा सांप दोस्तों, लगभग 6 साल की उम्र का आसानी के साथ हो सकता है और लगभग 5.5 फीट लंबा सांप है और इतनी मतलब ये भीड़ भाड़ वाला एरिया है लेकिन यहाँ पर खेती लगती है, झाड़ियों का जगह है और इतना बड़ा सांप लगभग 2 घंटे से यहाँ पर ये बैठा हुआ था और नहीं जा रहा था। और मैंने जैसे कहा ये मादा ही है दोस्तों। अभी इसको हम अंदर डालेंगे और दूसरे भी घोनस हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस में इस तरह के सांप हो सकते हैं, आप ख्याल रखना जरूरी है। दो बातें बहुत मायने रखती है, एक तो चलिए बहुत ही खतरनाक सांप, लेकिन इनके लोगों के बीच में रह के भी इसने कुछ नहीं किया, ये बहुत पॉजिटिव बात लेनी चाहिए। ऐसे बड़े बड़े सांप हमारी जिंदगी मतलब आस पड़ोस में जिंदगी निकालते हैं जो हम दोहराते हैं, तो इस बात को भी समझना ज़रूरी है। ऐसे ही सांप नहीं करते जैसे हम सोचते हैं, इसलिए डरना नहीं चाहिए। हाथ पाँव उनके ऊपर पड़े और ऐसा हादसा हो सकता है, संभल कर रहे, ये हमारे हाथ में है, आप वो करें ऐसा हम चाहते हैं। बने रहने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस सांप के लिए और वीडियो के लिए लाइक बनेगा अगर आपको पसंद आएगा तो, और शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की जानकारी हम लोगों तक पहुँचा सके। बने रहने की, कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।